हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आज हमारा डे टू ऑटो एक्सपो में। और आज जो मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ब्रांड दिखाने वाला हूं, उस ब्रांड के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। और आज मैं शायद बाइक का स्टैंड भी दिखाऊंगा, तो सारी चीज़ें आपके साथ कवर करूंगा मैं। चलिए चलते हैं सीधे ऑटो एक्सपो में और आपको बताते हैं चीज़ें क्या चल रही है अंदर। तो हुंडई में हमारे पास दो गाड़ियाँ खड़ी हैं इस टाइम पर। हुंडई में दो गाड़ियाँ कौन कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक है कोना इलेक्ट्रिक, ठीक है, और दूसरी आपकी होने वाली है कोना ट्रिक। ये भी इलेक्ट्रिक वेरिएंट है और ये काफ़ी अच्छा लगता है देख। तो भाई ये गाड़ी है, अंदर से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं सर दोनों। और सर दोनों के प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है? सर सेम है, वेरिएंट सेम वेरिएंट है। प्राइसिंग कितनी जाएगी सर इसकी? ये सर आपको 25,70,000। ओके। और सर ये मतलब आपको क्या रेंज दे रही है फुल चार्ज होने के बाद? ये सर 400 किलोमीटर का कंपनी है, एक एयर आई सर्टिफिकेशन है। ओके। बाकी प्रैक्टिकल सर ये 80-90 किलोमीटर प्रैक्टिकल। ओके सर, और आपका अगर कोई शोरूम पे विजिट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? आपका शोरूम कहाँ पर है? सर होशंगाबाद रोड पर, साइड में। सर इसमें कितने कलर्स आ जाते हैं? ब्लैक और वाइट तो हमें सामने दिख रहा है। आपको ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड एंड सिल्वर कलर। ओके, तो ब्लू रेड है ना। अगर आप कभी भी चाहते हो कि होंडे की हम इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते, कोना का आपको दिखाया था आज। अलकाज़ार भी मेरे सामने खड़ी हुई है, तो अलकाज़ार के बारे में भी सब कोई जानते हैं। डीप में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे कोई है नहीं, इसके चक्कर में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और भाई अब बारी आ जाती है ना आपको एक सेक्सी सी गाड़ी दिखाने की। और ये ग्लैंजा भी आ चुकी है हमारी सीएनजी में, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगी। और मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूंगा आपको टोयोटा में जाके, या फिर कैसे भी मैं इसका अरेंज करूंगा इस गाड़ी का रिव्यू। और मैं इस गाड़ी का रिव्यू आप लोगों को डेफिनेटली देने वाला हूं। और साथ में अपन अर्बन क्रूज़र का भी मैं आपको रिव्यू बहुत जल्दी दूंगा। भाई ये खड़ी है अपने पास वोल्वो XC90। इस गाड़ी को भी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी खुद में काफ़ी वो है। और यहाँ पर हमारे साथ हैं सर। तो सर प्लीज़ आप अपना नाम बताएँगे मुझे। आपका सर, आपका आप सबसे पहले तो शोरूम की लोकेशन बता दीजिए, अगर कोई विज़िट करना चाहता है तो कहाँ पे आके? इंदौर में। कहाँ पे सर? इंदौर में देवास के बाद अगर विज़िट करना चाहता है सर। इस गाड़ी में क्या टॉप एंड और जैसे सिंगल ऑप्शन के साथ सर ये कितने रुपए की पड़ेगी अगर कोई लेना चाहे तो इसको? जी 1,20,00,000 की गाड़ी है। और अगर सर मुझे परमिशन दे, क्या मैं गाड़ी अंदर से दिखा सकता हूँ एक बार? ओके तो भाई ये गाड़ी मैं पहली बार अंदर से वोल्वो मैं खुद देख रहा हूँ। तो भाई ये ऐसा कुछ इंटीरियर आ जाता है गाड़ी का, और काफ़ी अच्छा है। मुझे खोलने में भी डर लग रहा है क्योंकि भाई बहुत महंगी गाड़ी है। तो ये समझ रहे हो आप लोग, इसका कुछ डैशबोर्ड देख लो आप लोग, पैनारोनिक सनरूफ के साथ। और ये जो कलर का मिक्सचर दिया है ना ब्लैक और टैन में, भाई काफ़ी सेक्सी सा कलर लगता है ये पीछे से। अगर मैं आप, और भाई ये देखो आप, यहाँ पे भी ना सारी चीज़ें इस गाड़ी में, मतलब यार कुछ नहीं, ठीक है। मतलब भाई गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल होने वाली है लॉन्ग राइड के लिए। थर्ड पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे वो मिल जाता है, और पीछे बूट स्पेस भी है। मैं इस गाड़ी के ऊपर कभी मौका मिलेगा तो मैं पूरी वीडियो भी बना के आपको दिखाऊँगा। आ जाती है हमारी क्लास गाड़ी मर्सिडीज़ मैबैक। भाई ये वाइट कलर काफ़ी क्लासी लगता है, मर्सिडीज़ की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, समझ रहे हो आप लोग। फिर अब ये आपको मैं बेसिकली अगर हो सका तो मैं अंदर से भी इस गाड़ी को दिखाता हूँ। और सबसे पहले हमारे साथ सर हैं। भाई इस गाड़ी का इंटीरियर देखो, मतलब यहाँ ही पे आपको स्पीकर यार काफ़ी सही लगती है, बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है यार। मतलब आप पूरी चीज़ें देखो, सनरूफ इसमें आ जाता है, आप काइंड ऑफ बोल सकते हो कि पैनारोमिक टाइप में आ जाता है। और यहाँ पे आपको कुशनिंग मतलब सारी चीज़ें इस गाड़ी की दी हुई है, ठीक है। आगे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई पीछे का कुछ ये देख रहे हो, कभी भी सेडान में आपने जगह तो देखी है, लेकिन भाई इतनी जगह किसी सेडान में आपने नहीं देखी होगी जितनी इसमें दिख रही है। और मर्सिडीज़ मैबैक है तो इतनी जगह होना लाजमी है। ये खड़ी हमारे पास ऑडी E-Tron GT। और भाई ये एक गाड़ी है जो भाई बहुत क्लास लग रही है देखने में। साइड प्रोफाइल देखो आप इस गाड़ी की यार, कितनी प्यारी लग रही है। मतलब ना अपनी लाइफ में इसको अगर मैं देखूं
तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मे भी शायद कुणाल ने अगर कभी मुंबई गया ये बंदा तो इसने देखी हुई गाड़ी या फिर इंदौर में कहीं देखी हो, लेकिन मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि भाई ये गाड़ी मतलब भोपाल लायक है, भोपाल की सड़कों पर गाड़ी चल पाएगी। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस देख रहे हो आप कितनी है। और भाई उसी के आगे खड़ी हमारी पोर्शे पैनामेरा काफ़ी सेक्सी सी गाड़ी है भाई, और इस गाड़ी का एक अपना अलग ही मज़ा है। ठीक है फिर अब ये मतलब इन गाड़ियों को ना उसकी ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की ज़रूरत। दिलजीत दोसांझ के गाने में थी भाई ये गाने। हाँ और ये गाड़ी ना दिलजीत दोसांझ के गाने में भी थी ये गाड़ी, और काफ़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर भाई आपके पास एक ही आ जाती है गाड़ी जीटी, भाई काफ़ी प्यारी लग रही है यार। मतलब भाई मस्टैंग जीटी खड़ी है येलो कलर में, उस गाड़ी की फ़ैन फॉलोइंग अपनी बहुत अलग फ़ैन फॉलोइंग है। और अगर आप बात करते हो ना तो अगर जो भी इस गाड़ी को यूज़ में मेंटेन कर रहे होंगे भाई, अगर ये गाड़ी रीमैप हो जाती है तो ये नेक्स्ट लेवल भागती है यार कसम से। मतलब गाड़ी की हॉर्स पावर काफ़ी ज़्यादा है, 5.0 लीटर के इंजन में गाड़ी आ जाती है, और बहुत ही सेक्सी गाड़ी है यार। मतलब आप गाड़ी को पूरा ओवरलुक अगर लेते हो तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है यार। और उसके बाद फिर ये इसके एलॉय देख सकते हो आप, इसके एलॉय एज इट इज़ ऐसे ही रहते हैं, और एलॉयज में भी कोई चेंजेस नहीं है। फिर वो सबकी चाहती मैकलेरन, भाई ये मैकलेरन में ना जो आप कार्बन फाइबर सुनते हो ना, एग्जैक्ट ये कार्बन फाइबर यहाँ पे लगा हुआ है मैकलेरन के अंदर। जो अपन आपकी गाड़ियों में सुनते हैं ना कि कार्बन फाइबर आता है और ये सारी चीज़ आती है, भाई ये मैकलेरन में लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा। और फिर मैं कल आपको वो वाली दिखा के गया था, ये अपने पास जीटी खड़ी हुई है, मैकलेरन खड़ी है, और शायद कुछ अपडेट होती है तो मैं आपको देता हूँ। बिल्कुल क्लास है इस गाड़ी का, मतलब यार इस गाड़ी की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग, बहुत अलग सी फ़ैन फॉलोइंग है इस गाड़ी की। और गाड़ी ना देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, साइड लुक अगर लो कन्वर्टिबल है, और यार बहुत मस्त है। दूसरी जो हमारी गाड़ी रहने वाली है वो रहने वाली रोल रॉयस। भाई पहले इस गाड़ी की आप लेंथ देखो, भाई काफ़ी प्यारी दिखती है गाड़ी, और ना मतलब वर्ड्स नहीं है इस गाड़ी के लिए। और मेरे मतलब फ्रेम में भी गाड़ी फिट नहीं आ रही, अगर मैं यहाँ खड़े हो रहा हूँ तो ये गाड़ी पूरी मोबाइल में आ रही है, नहीं तो ये फिट नहीं हो रही है मेरे में। ठीक है सामने से अगर आप इसका लुक देखते हो तो ऑब्वियसली मैं आपको अंदर से इसका इंटीरियर नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि भाई आप समझ सकते हो। बाकी ये आप सामने से अगर आप इसका लुक देखते हो, इसका सबसे बड़ी चीज़ तो इसका ये जो लोगो है ना ये काफ़ी प्यारा लगता है देखने में। उसके बाद जो हमारे पास आज गाड़ी आ जाती है वो है हमारी मर्सिडीज़ मैबैक। तो इसकी एक फ़ैन फॉलोइंग अलग है, और ये कुछ समथिंग 2.50 के आसपास की गाड़ी पड़ जाती है, और काफ़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। ये भी डुअल टोन कलर में मिल रही है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैबैक का लोगो आप देख सकते हो सामने लगा हुआ है। ठीक है उसके बाद फिर ये बैंटले आ जाती है। भाई इसकी जो आप ग्रिल देख रहे हो, ग्रिल काफ़ी बैंटले जो आप देख रहे हो इसका ग्रिल काफ़ी चौड़ी दिख जाती है और काफ़ी अच्छी है। और जो आप इसके हेडलैम्प देख रहे हो भाई, मतलब मैं गाड़ी के स्पेसिफिकेशन की और नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को अभी अच्छे से नहीं मालूम, बट हाँ गाड़ी आप देख सकते हो काफ़ी लंबी है, चौड़ी दिख जाती है। आज सेकंड डे पे इसको कवर कर रहा हूँ, कल भी ये खड़ी थी। मर्सिडीज़ है कन्वर्टेबल, और भाई इस गाड़ी को भी किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ये गाड़ी एक अपने आप में ही काफ़ी जो बोलते हो ना स्पेशियस गाड़ी है, और ये कन्वर्टेबल के साथ आती है। अंदर आप देख सकते हो गाड़ी के काफ़ी प्यारी दिखती है अंदर से ये देखने में। और इसका अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो लेंथ है भाई बहुत अच्छी है, अगर डिग्गी थोड़ी सी और लंबी दे देते ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक ये परफेक्ट सेडान बनने के लिए तैयार थी ये गाड़ी बेसिकली। फिर मैं आ गया हूँ अपने बाइकों के शेल्फ में, बाइकों का शेल्फ मेरा ये KTM है। यहाँ पे आपकी तीनों बाइकें लगी हुई हैं, बाइकें देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हैं और ये लुक वाइज काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है हमारे साथ सर हैं, सर आपका जो शोरूम है उस किस लोकेशन पे पड़ता है? ये सर अपना इसी साइड में रोड के पीछे है, ये जहाँ पे अपना मेन रोड है। हाँ ओके okay. और सर इन दोनों बाइक तीनों बाइकों का क्या प्राइस पड़ेगा अगर कोई लेने आता है तो? ओके ओके 4,50,000 की। तो आप जाके बाकी चीज़ें आप शोरूम से कवर कर सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन।
फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खड़ी हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आप देख सकते हो ये जो है, जो लोग मतलब थोड़े चलने में उनको दिक्कत होती है वो गाड़ी इनके लिए, तो उनमें साइड व्हील ऑलरेडी गाड़ी कंपनी डाल के दे रही है, ठीक है। उसके बाद भाई आपके पास आ जाती है एनिग्मा। एनिग्मा एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, और उसके बाद फिर इस भी ब्रांड को ना कोई फीचर की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी प्यारा ब्रांड है। और आप देख रहे हो इनकी जो कलर कलेक्शन है काफ़ी अच्छे रखे हुए हैं, तो जा सकते हो। जिसको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पसंद है, जिसको पेट्रोल में नहीं जाना है, वो जा सकता है एनिग्मा के लिए। और ओके, यहाँ पे आपके पास 7 मॉडल्स हैं, और इन 7 मॉडल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई। सर आपका शोरूम किस लोकेशन पर है? ओके 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 और सर कोई अगर मतलब लेने के बाद सर्विस के लिए आता है तो क्या वहीं पे उसकी सर्विस होगी जहाँ से गाड़ी डिलीवर्ड हो रही है? ओके ओके सर, पेट्रोल गाड़ी और बैटरी गाड़ी में सर्विस में कितनी कॉस्ट का कितना डिफरेंस आ जाता है? हाँ, आपको सर्विसिंग की जरूरत नहीं है, ना इसका ऑयल चेंज होना है ना कुछ होना। नॉर्मली ये जो अपने ब्रेक्स यू रहते हैं वही खाली बस चेंज। ओके थैंक यू सर। भाई फिर अपने पास है TVS, ब्रांड ही बहुत अलग है, और यहाँ पे खड़ी है हमारे पास TVS की इलेक्ट्रिक गाड़ी। फिर ये अपाचे आ जाती है, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है हमारे पास TVS की। फिर ये अपनी कावासाकी जो कि इंदौर से है, कावासाकी निंजा वगैरह यहाँ पे सब प्लेस करी हुई हैं। और सर आपका शोरूम किस लोकेशन पे पड़ेगा? ओके, सुभाष नगर में आ रहा है। और सर मैं अगर इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में क्या प्राइस है? ओके 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 थैंक यू सर। या ओके 7 पॉइंट इंक्लूडिंग वन से। ओके भाई फिर आपकी एक रिबो करके एक ब्रांड है, उसकी यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ पार्क करी हुई हैं, ठीक है। ये पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं आपकी। फिर आपका है जाते हो भाई सुजुकी में, तो इसको भी किसी चीज़ की पहचान की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपकी एक्सेस है जो कि मे बी शायद ये लिमिटेड एडिशन है, राइट? ये लिमिटेड एडिशन में खड़ी है। उसके बाद फिर आपकी एक ये गाड़ी है, फिर आपकी भाई ये आ जाती है, आपने रोड पर काफ़ी देखी होगी, लेकिन गाड़ी काफ़ी मस्कुलर लुक के साथ आती है। फिर भाई ये ऑफ रोडर बाइक है, तो ये बाइक की भी अगर आप रोड प्रेजेंस देखो तो काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे आपके पास होंडा में काफ़ी सारी बाइकें आ जाती हैं। एक आपके पास ये CV खड़ी है, उसके बाद आपके पास CV 300F खड़ी है, ये वाली कौन सी भाई? ये INS CV3 खड़ी है। और भाई आपका अगर कोई शोरूम पे आना चाहे तो लोकेशन कहाँ पे है आपका शोरूम? प्रभात चौराया अशोका गार्डन पे आया। बाकी सारी चीज़ें आप वहाँ पे कवर कर लो, पूरी डिटेल्स आपको गाड़ी की वहाँ मिल जाएंगी। फिर हम आ जाते हैं रॉयल इनफील्ड, जो कि एक नॉन ब्रांड है, और मैं खुद इसकी 350 क्लासिक यूज़ कर रहा हूँ। एक रॉयल इनफील्ड एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ठीक है। उसकी ये सारी हिमालयन वगैरह गाड़ी यहाँ पे लगाई हुई है। और बाकी अगर रॉयल इनफील्ड का आप शोरूम की लोकेशन कहाँ पड़ेगी भाई? हमीदिया रोड मेन रेलवे स्टेशन के पास है इसकी लोकेशन। आप वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो रॉयल इनफील्ड का। मैंने बाइक स्टैंड मिस कर दिया था, बट आज का ये लाइनअप आप देख सकते हो बाइकों का, बहुत ही प्यारा लाइनअप चल रहा है। और यहाँ पे होने वाला है स्टैंड, बहुत मज़ा आएगा। कुछ ही देर में अभी चालू होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। फराज भाई आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए जहाँ ये बाइक एग्जॉस्ट साउंड जो है ना इस गाड़ी का, मैं आपको भी एक्चुअल में बाहर चल के सुनाता हूं, जो हमारे भोपाल के टैलेंट्स हमारे स्टंट भाई देख सकते हो। ऑटो एक्सपो स्टार्ट होने से पहले, अपनी स्टैंड स्टार्ट होने से पहले इंडिका को कैसे धक्का मार रहे हैं, जो कि ये बीच में खड़ी हुई है। और भाई सारे अपने लगे हुए हैं, इवन यहाँ तक कि फराज भाई भी लगे हुए हैं भाई गाड़ी को धक्का मारने में। इंडिको अपनी फ्रंट व्हील ड्राइव आती है, और भाई गाड़ी मतलब रखी हुई है, पता नहीं कौन लगा के गया है बीच में। वहाँ पर अपनी i10 भी खड़ी हुई है, यहाँ पर इंडिको भी खड़ी हुई है। देखते हैं भाई लोग हटाते हैं, उसके बाद जैसे स्टार्ट होता है मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ।
आई थिंक अब भाई लोग गाड़ी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। गाड़ी देखो खिसकाया ही जा रही है अब गाड़ी, ये देखो खिसकाई जा रही है गाड़ी अब भाई लोग से, अब हो नहीं पा रहा तो गाड़ी खिसका रहे बेचारे। जल्दी स्टैंड शुरू हो जाए, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं और इतनी सारी ऑडियंस है यहाँ पे जो सब उसी का वेट कर रही है और जल्दी से जल्दी यहाँ पे शुरू होगा। और भाई कपड़ों का काम है, कपड़े पैक भी करने हैं भाई। क्यों आ रही है भाई के, मतलब आ रही है तो कब तक होगा भाई? काफ़ी अच्छे स्टंट्स के साथ साइकिल वाले काफ़ी अच्छा स्टंट दिखा रहे हैं और ये मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा आपको ये सारी चीज़ें देख के।